समय जो होता है बहुत मुश्किल से मिलता है। समय का सदुपयोग हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान होना चाहिए। छत्रियों के समय की बात की, छत्री पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, बाद में कैसे हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, पिछला जो समय हमारा गया, क्योंकि मैं राजस्थान जोधपुर में रहता हूं, वहां की संस्कृति, वहां का संस्कार अच्छी तरह से परिचित हूं। बार बार में एक कहावत है कि जितने गहरी कुएं का पानी पीते हैं उतनी गहरी सोच रखते हैं, शेखावत जी याद रखते हुए, और सही बात है, सोच हमारी गहरी होनी चाहिए और लक्ष्य हमारा निर्धारित होना चाहिए, भले ही वो हमें अभी असंभव सा लगे, लेकिन संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। असंभव होता है तो सिर्फ हमारा हौसला। यहां जितने लोग बैठे हैं, मुझे आधे से ज्यादा लोगों में तो लग ही नहीं रहा है कुछ हौसला आया होगा। ठीक है, अजय सिंह ने बुलाया, आके बैठ के नाश्ता कर दिया, रवाना कर दिया, उसके बाद ना उन्हें अजय सिंह से पता, ना अजय सिंह जी को उनका पता, ऐसी फिर ये संगठन नहीं चलती। अभी मैं कल ही है, राजपूतों का एक संगठन जो चित्रकूट में बहुत बड़ा अधिवेशन था उसका, उसको अटेंड करके आया, अंतर्राष्ट्रीय छत्री राजपूत सभा, अभी उसको अटेंड करके आया, बहुत बड़ा सम्मेलन था। और उन लोगों ने मेरे को पता नहीं क्या क्या धर्मगुरु और राष्ट्रीय संरक्षक सब बनाया है, लेकिन हमारा इतना ही कहना है कि अपनी शक्ति को पहले जानिए। दिग्विजय सिंह ने वही कहा, हम बैठे तो हैं, कार्य तो करते हैं, लेकिन जिस चेतना के साथ, जिस स्फूर्ति के साथ, जिस लगन के साथ और जिस विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो ये दिखाई दे, लेकिन एक बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि पिछली मीटिंग से इस मीटिंग में चेतना दूनी हुई है, ये स्वीकार की हुई बात, दूनी चेतना मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन जितनी चेतना दिखाई देनी चाहिए वो अभी तक दिखाई नहीं। लेकिन हम लोग संत हैं, हमेशा भगवान पर विश्वास करते हैं, जो होगा अच्छा होगा, जो होता है अच्छा होता है, और मुझे विश्वास है आने वाले 3-4 महीने में ऐसी जागृति पैदा होगी कि शायद ना हमारे बीपी सिंह ने सोचा होगा और ना हमारे कपास सिंह ने सोचा होगा, वो जागृति चाहिए। एक महीने के अंदर कोई दूसरी जगह, कहीं छोटी जगह पर, मंदिर में या फिर धर्मशाला में मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, दिल्ली के संयुक्त राज्य को बुलाएं और उनको एक सम्मानित करें। पहले सम्मान का सिलसिला होना चाहिए, एक इसकी लिस्ट आप निकालें, कौन कौन पदाधिकारी हैं, उनका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल के जरिए सभी के पास भेज दें, इससे कम से कम संपर्क तो कर सके दूसरे से। इन चीजों की बहुत जरूरी आवश्यकताएं हैं और इन सब चीजों को